हे गाइस वेलकम बैक, हियर आई एम पांडे। इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि कैसे फेसबुक एड्स के लिए क्लिक बैंक के प्रोडक्ट को हम चूज कर सकते हैं एंड कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका हम ख्याल रखें जब हम फेसबुक एड्स बनाएं। सो गाइस देखिए इस वीडियो को आखिर तक, सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को ताकि इसी टाइप के वीडियोस आप तक पहुंचते रहें और आप भी ऐसे ही रुपए कमा सके जैसे मैं कर रहा हूं फ्रॉम एफिलिएट मार्केटिंग क्लिक बैंक गाइस। सो देखिए इस वीडियो को आखिर तक, आई होप यू लाइक इट। कमिंग अप, हे गाइस वेलकम बैक, हियर आई एम पांडे एंड आज हम बताएंगे कि कैसे मैं चूज़ करता हूँ फेसबुक एड्स के लिए प्रोडक्ट फ्रॉम क्लिक बैंक। अगर फेसबुक एड्स की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है फॉर एफिलिएट्स एंड काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनको पहले से देखना पड़ता है एंड तब जाके हम उस प्रोडक्ट के ऊपर ऐड चला पाएंगे। कुछ चीज़ें हैं जो मेन चीज़ें हैं जिनका मैं इसमें बताऊंगा आपको एंड जैसे कि मेरा अभी सीरीज़ चला है फेसबुक एड सीरीज़ जो कि पेड सीरीज़ है, से पहला लेक्चर फ्री था, बाकी की सब पेड्स हैं एंड मेरे स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं एंड वो लोग काफ़ी अच्छे से समझ पा रहे हैं कि कैसे हमें फेसबुक ऐड चलानी है। बट फिर मैंने सोचा कि अपनी यूट्यूब ऑडियंस के लिए भी एक वीडियो बना दूं जिसमें मैं कुछ ऐसी टिप्स उन्हें दे दूं जो काफ़ी उनके लिए यूज़फुल हूं। तो सबसे पहले क्लिक बैंक पर मैं हूं अभी और मार्केट प्लेस पर क्लिक करूंगा, एफिलिएट मार्केट प्लेस पर एंड यहां से हम लोग जाएंगे प्रोडक्ट्स पे एंड आपको मैं कुछ टिप्स बताऊंगा जिनका मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूं जब मैं कोई भी प्रोडक्ट प्रमोट करता हूं। तो बात की जाए ग्रेविटी की, सब लोग कहते हैं जो हाईएस्ट ग्रेविटी प्रोडक्ट है उसको चूज़ करो, और नीश की, तो नीश ये गाइस तीन नीश तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, हेल्थ एंड फिटनेस एंड सेल्फ हेल्प एंड जो स्पिरिचुअल नीश है, ये काफ़ी पॉपुलर नीशेज हैं। बट फेसबुक फ्रेंडली नीश बहुत कम होते हैं, जस्ट लाइक होम एंड गार्डन, पेरेंटिंग एंड फैमिली, इस टाइप की नीश फेसबुक फ्रेंडली होते हैं। ऐड तो आप किसी पे भी चला सकते हैं बट हो सकता है आपका ऐड अकाउंट बहुत जल्दी ब्लॉक हो जाए, तो ग्रीन प्रोडक्ट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अल्टरनेटिव एनर्जीज पे क्लिक करेंगे एंड देखते हैं कैसे कैसे प्रोडक्ट हैं इसमें एंड क्या क्राइटेरिया है जिनके बेस पे मैं चूज़ करता हूँ प्रोडक्ट फॉर फेसबुक एड्स। तो मैं सबसे पहले पॉपुलर प्रोडक्ट्स आ रहे हैं अभी, शॉर्ट बाय पॉपुलर है, जो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, लेकिन हम जो आप लोग हैं और मैं हूँ वो ग्रेविटी से शॉर्ट करेंगे क्योंकि गाइस ग्रेविटी मतलब कि रिसेंटली कितने लोगों को इस प्रोडक्ट को प्रमोट करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, ज़्यादा सेल कर रहे हैं जिससे बेसिकली। तो 86 हाईएस्ट ग्रेविटी है। अब हम लोग किस ग्रेविटी को चूज़ करें, तो मेरा मानना यह है कि मैं जो भी ग्रेविटी चूज़ करता हूँ वो अप्रोक्स करता हूँ 100 से 20 के बीच में, ना 100 से ऊपर ना 20 से कम। तो हमें ये क्राइटेरिया यूज़ करके रखना है एंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि गाइस 100 से ऊपर मतलब हाईली कॉम्पिटेटिव प्रोडक्ट, मतलब जितने भी प्रोडक्ट हैं सब, क्योंकि सारे लोग फेसबुक पे या किसी भी कहीं पे भी आप चले जाओ, यूट्यूब पे क्लिक बैंक के बारे में यही बताएंगे हाईएस्ट ग्रेविटी के प्रोडक्ट को प्रमोट करो। सो गाइस इससे क्या होगा, कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, कॉम्पिटिशन बढ़ेगा मतलब गाइस नुकसान है आपका। तो मैं ऐसे ही प्रोडक्ट को चूज़ करता हूँ जिसकी ग्रेविटी हो 20 से 100 के बीच में। तो जैसे कि सबसे ऊपर जो प्रोडक्ट है इसकी ग्रेविटी है 86, तो इस प्रोडक्ट को हम प्रमोट कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा है एंड ये हमारे क्राइटेरिया में भी आता है। सो गाइस एक तो फैक्टर हो गया ग्रेविटी के, मैं 20 से 100 के बीच में ग्रेविटी चूज़ करता हूँ एंड सेकंड फैक्टर हो गया उसका लैंडिंग पेज कैसा है। सो लैंडिंग पेज मुझे ज़्यादातर प्रोडक्ट्स के ऐसे पसंद होते हैं जिसमें एक वीडियो हो और टेक्स्ट हो, तो मैं एक दो प्रोडक्ट इसके खोल लेता हूँ ऊपर के एंड देखता हूँ कि किस में ऐसा लैंडिंग पेज है जो कि ज़्यादा अट्रैक्टिव है। मुझे टेक्स्ट बेस्ड लैंडिंग पेज पसंद नहीं है जो ब्लॉग टाइप के हों। सो ये पहला लैंडिंग पेज खोलते हैं। सो इसमें देखिए ऊपर टाइटल है, नीचे वीडियो है एंड काफ़ी अच्छा लैंडिंग पेज है वो, जब तक ओपन हो रहा है जब तक दूसरे को भी लोड कर लेते हैं। क्रेजी 20 दिस ओल्ड ज्योग्राफी टीचर एंड इसमें भी आई थिंक वीडियो ही है। सो गाइस इसमें भी वीडियो है एंड ये भी काफ़ी अच्छा है, इसमें टेक्स्ट फॉर्मेट भी है एंड इसमें सो गाइस इसमें देखिए आप, एक जो मुझे सबसे बेकार चीज़ लगती है और फेसबुक को भी सबसे बेकार चीज़ लगती है, पॉपअप। अगर गाइस आपके जो एफिलिएट पेज आप जो प्रमोट कर रहे हैं उसमें ऐसा पॉपअप होता है तो वो उसको आप प्लीज़ मत प्रमोट करें क्योंकि फेसबुक आपके ऐड को बंद कर देगा। तो फेसबुक डोंट लाइक पॉपअप्स, सो ऐसे प्रोडक्ट को चूज़ करें जिसमें पॉपअप ना हो। सो इस वाले में भी प्रोडक्ट है पॉपअप है, तो इसको भी मैं हटा दूंगा, इसको भी मैं चूज़ नहीं करूंगा फॉर माय फेसबुक मार्केटिंग एंड चलिए दूसरा कोई ओपन करते हैं। तीसरे नंबर का प्रोडक्ट ग्रेविटी इसकी कितनी है 52, तो अभी भी हम 20 से ऊपर हैं और 100 से नीचे।
तो इस वाले लैंडिंग पेज में देखते हैं कि पॉपअप खुलता है कि नहीं। एंड ज़्यादातर लैंडिंग पेज में पॉपअप है क्लिक बैंक में, बट कई ऐसे भी प्रोडक्ट हैं जिनमें पॉपअप नहीं है, उन्होंने पॉपअप बहुत देर में दे रखा है या फिर किसी और लैंडिंग पेज पे दे रखा है। तो ऐसा प्रोडक्ट चूज़ करना है जिसमें पॉपअप ना हो। रिव्यू लास्ट, इसमें भी वीडियो है एंड ये भी मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है इसमें पॉपअप होगा, क्योंकि ये कुछ ना कुछ वैसा ही दिख रहा है जैसे मैंने लास्ट टाइम जो वाला लैंडिंग पेज खोला था उस जैसा। तो देखते हैं, होपफुली अभी तक तो कोई पॉपअप नहीं आया है। सो गाइस, इसमें कोई पॉपअप नहीं आया है, सो हम इसको चूज़ कर सकते हैं। ओह गाइस, पॉपअप आ गया तो पॉपअप को इसको भी हम चूज़ नहीं करेंगे। लेट्स सी अनदर प्रोडक्ट। तो हम तीन प्रोडक्ट तो चेक कर चुके हैं, अब चौथा ट्राई कर लेते हैं, पांचवा भी खोल लेते हैं क्योंकि भरोसा नहीं है उसमें भी पॉपअप हो। एंड जो पॉपअप है ये लोग डाल देते हैं, एंड फेसबुक को ये मिस मार्केटिंग लगती है। एंड इस वाले में भी निश्चित तौर पर पॉपअप होगा क्योंकि इस टाइप का भी हम एक बार खोल चुके हैं लैंडिंग पेज। एंड इस वाले में देखते हैं, मैंने कहा था इसमें ये लगता है सारे एक ही बैंडर के सारे प्रोडक्ट हैं क्योंकि एक ही स्टाइल है, सब कुछ एक सा ही है। तो ये वाला प्रोडक्ट भी मैं हटा देता हूँ। लेट्स सी दिस प्रोडक्ट, होपफुली हमें इसमें पॉपअप ना मिले। तो इसमें तो बढ़िया बड़ा सा वीडियो खुल के आ गया है एंड पीछे बैकग्राउंड है एंड बस गाइस, इसमें तो कुछ नीचे छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है एंड एक वीडियो है, क्लिक हेयर टू प्ले। तो इसका हम फिर भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, क्योंकि मुझे नहीं लगता इसमें कोई पॉपअप है, एंड होता तो अभी तक ओपन हो जाता। सो गाइस, मुझे एक विनिंग प्रोडक्ट मिल गया है। तो इस टाइप के प्रोडक्ट गाइस, जैसे ही मैंने काटा तो इसमें पॉपअप आ गया। सो मैं छोड़ देता हूँ इस नीच को ही, छोड़ देता हूँ, दूसरी नीच में जाता हूँ एंड ऐसे प्रोडक्ट को देखता हूँ जिसमें पॉपअप ना आए। तो लेट स्टार्ट विथ पेरेंटिंग, इसमें हम पेरेंटिंग पे क्लिक करेंगे। एंड एक प्रोडक्ट है जिसको मैं जानता हूँ और जिसका एग्जांपल भी मैं देना चाहूँगा, जो प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, वो है बेबी स्लीप मिरेकल। इसकी ग्रेविटी है 59 गाइस, एंड ऐसी ग्रेविटी के प्रोडक्ट अच्छे होते हैं जैसे मैंने कहा 20 से 100 के बीच में, एंड काफ़ी ज़्यादा पॉपअप्स आ रहे हैं हर लैंडिंग पेज पे। तो इस वाले में देखते हैं इसमें कोई पॉपअप ना हो, होपफुली वी डोंट गेट एनी पॉपअप। एंड काफ़ी फेसबुक फ्रेंडली नीच भी है ये, एंड इसका लैंडिंग पेज आप जैसे कि देख सकते हैं काफ़ी अट्रैक्टिव है। इन्होंने दो कलर का यूज़ किया है, रेड एंड ब्लैक, जिससे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। एंड जो वीडियो है ये भी अच्छे तरीके से प्ले होता है, एंड साइड में जो बॉर्डर्स हैं ये भी अच्छे हैं कि बेबी जैसे बेबी सोता है उस वैसा बेड टाइप का है ये। सो इसमें कोई पॉपअप नहीं है। इस प्रोडक्ट को मैं पहले भी कई बार प्रमोट कर चुका हूँ इसलिए मुझे पता है, एंड इस टाइप के प्रोडक्ट को आपको प्रमोट करना है बेसिकली, अगर पॉपअप आ रहा है तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है गाइस। एंड सो आपको आपको पता चल गया होगा कि आपको क्या करना है, ग्रेविटी देखनी है 20 से 100 के बीच में, पॉपअप देखना है, पॉपअप तो नहीं है। एंड थर्ड चीज़, एक और चीज़ कि अपसेल्स, अपसेल जरूर होनी चाहिए, जैसे देख सकते हैं 6 अपसेल्स हैं इसमें, क्योंकि अगर अपसेल्स होंगी तो फेसबुक ऐड में आपको ऐड चलाने का प्रॉफिट होगा, नहीं तो कोई प्रॉफिट नहीं होगा। अगर आपने सेल की $20 की एंड $20 ही आपको मिल रहे हैं और इन्वेस्ट आपने कर दिया 50, तो आप लॉस में चले जाएंगे। लेकिन अगर आपने एक प्रोडक्ट सेल किया जिसकी अपसेल्स भी हो गई, तो ये $100 के करीब अगर आपकी अपसेल्स मिल गई तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो अपसेल्स का भी ख्याल रखना है, इसमें लिखा है ऑलरेडी अपसेल्स, एंड अपसेल्स के और भी कई इंडिकेटर्स होते हैं, जस्ट लाइक ये जो एरो है पिच प्लस, इसका मतलब होता है इसमें अपसेल्स हैं। एंड डॉलर का साइन है मतलब वन टाइम पेमेंट, एक टाइम पेमेंट करना है आपको, हर महीने पेमेंट नहीं करना। ऐसे प्रोडक्ट जिनके हर महीने पेमेंट करने पड़ते हैं उनके रिफंड रेट काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं, सो ऐसे प्रोडक्ट भी आपको नहीं चूज़ करने हैं। तो वन टाइम पेमेंट वाले प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे होते हैं। सो इस ये दो तीन चीज़ें जो कि आपको ख्याल में रखनी है, ग्रेविटी, अपसेल्स एंड एफिलिएट पेज। एंड द थर्ड चीज़ जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है बैंडर स्पॉटलाइट। बैंडर स्पॉटलाइट आप गाइस कैसे देखेंगे, एंड उसके लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा। इसमें अभी यहाँ पे बैंडर स्पॉटलाइट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, जब आप लॉगिन करेंगे तो बैंडर स्पॉटलाइट का ऑप्शन आएगा। तो मैं लॉगिन कर देता हूँ अपने क्लिक बैंक अकाउंट में।
नाउ गाइस हम लॉग इन कर चुके हैं, अब फिर से जाएंगे मार्केट प्लेस में एंड उसी प्रोडक्ट पे जाएंगे जिसको हम चेक कर रहे थे ताकि हमें पता चल सके कि स्पॉटलाइट का ऑप्शन आ रहा है कि नहीं। एंड मैं अपने स्क्रीन रिकॉर्डर के इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। सो नाउ प्रोडक्ट था पेरेंटिंग में, पेरेंटिंग पे क्लिक करेंगे एंड इसमें पेरेंटिंग पे क्लिक कर देंगे। सो बेबी स्लीप नाम का प्रोडक्ट है, तो ये ऑप्शन जो लोग लॉग इन करेंगे उनके में आएगा बैंडर स्पॉटलाइट का, इस पर हम क्लिक करेंगे। इससे हमें पता चलेगा कि इस प्रोडक्ट की जो ग्रेविटी है वो कैसी है और ये फेसबुक फ्रेंडली है कि नहीं। तो गाइज इसमें देखो अलग ही लिखा है, फेसबुक फ्रेंडली नीश फुली एक्सप्लॉयटेड एनिमेटेड BLC वाई विथ 6 अपसेल्स एंड इसकी जो ग्रेविटी है वो हाईएस्ट 80 तक पहुँची है, 76 तक एंड लोएस्ट पहुँची है अभी तक लोएस्ट 30 दिन के अंदर 59 तक। तो मतलब गाइस अभी ग्रेविटी इसलिए कम है क्योंकि आप जानते हैं लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए कई प्रोडक्ट पर इफेक्ट पड़ा है, बट फिर भी ये प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है क्योंकि लोग घर पे हैं और बच्चों को संभालना कोई हंसी खेल की बात नहीं है, तो इसलिए ये प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है। एंड आप देख सकते हैं कि ऐसे मैं पता करता हूँ ये फेसबुक फ्रेंडली है कि नहीं। एंड जो लास्ट चीज़ है जो मैं देखता हूँ वो है इनका एफिलिएट पेज, क्योंकि एफिलिएट पेज में इन्होंने क्या क्या दे रखा है, कितनी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो यहाँ देख सकते हैं आप काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, डेमोग्राफिक, इन्फोग्राफिक, आर्टिकल, बैनर, ईमेल मार्केटिंग, फेसबुक टूल्स, प्रोडक्ट इमेजेस, PDOs, PPC, प्रोडक्ट रिव्यूज़, फ्री रिपोर्ट्स, लैंडिंग पेजेस एंड प्रेस रिलीज, फोरम मार्केटिंग एंड अलग अलग लैंग्वेजेस। सो गाइस मैं डेमोग्राफिक पे क्लिक करके देखता हूँ क्या क्या इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। तो अगर इतनी इन्फॉर्मेशन कोई दे रहा है प्रोडक्ट तो आपके काफ़ी काम आसान हो जाता है एंड आपको पता चल जाता है किस टाइप के लोग इसको पसंद करेंगे। जस्ट लाइक इसमें 84% वो लोग पसंद करते हैं जिनके चिल्ड्रंस हैं एंड विदाउट चिल्ड्रन वाले 16%। ऑब्वियसली गाइस कॉलेजेस में जो है वो ज़्यादा पसंद करते हैं, फीमेल्स सबसे ज़्यादा खरीदती हैं एंड इनकम भी दिखा रहा है इसमें, एनुअल रिपोर्ट इतनी हो, एज गाइस 25 से लेके 44 तक की एज वाले सबसे ज़्यादा इसको खरीदते हैं। सो इन सब चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं अपने फेसबुक एड्स में जब आप ऐड बनाएंगे, और फेसबुक टूल्स पे जाके भी हम और चीज़ें ले सकते हैं। सो इस टाइप के प्रोडक्ट मैं चूज़ करता हूँ ज़्यादातर। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड आपको समझ में आ गया हो कि मैं किन चीज़ों का ख्याल रखता हूँ एंड आप भी इन्हीं चीज़ों का ख्याल रखें जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट चूज़ करें। तो गाइस फेसबुक मार्केटिंग में देख सकते हैं आप इमेजेस आ गई हैं, जिन इमेजेस को आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर टाइटल्स गाइस जिन टाइटल्स का आप यूज़ कर सकते हैं ऐड में, एंड ऐड इमेजेस, ये ऐड इमेज का आप यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं काफ़ी क्यूट इमेज है। एडिशनल इन्होंने टिप्स भी दी हैं कई। एंड सो गाइस दैट्स इट, आज के लिए इतना ही, और ये जो कुछ चीज़ें थी जिनका मैं ख्याल रखता हूँ फेसबुक एड्स चलाने के लिए कैसे प्रोडक्ट चूज़ करें। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये कुछ टिप्स आप जरूर ख्याल में रखना जब आप फेसबुक एड्स बनाने जाएं एंड होपफुली आपको ये टिप्स काफ़ी मददगार साबित होंगी एंड आप भी अच्छे से ऐसे ही एड्स बना पाएंगे जिससे आप अच्छा खासा सेल जनरेट कर पाएंगे। सो अगर आप भी एफिलिएट मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं इन क्लिक बैंक, तो आप मेरा पर्सनल कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन को दबा सकते हैं, जैसे नया वीडियो आएगा आप तक पहुंच जाएगा। सो गाइस लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू, पीस आउट।